अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेहंदी के इवेंट के लिए हम मेकअप करेंगे, उससे पहले सबको ब्यूटी ब्लेंडर्स को, ये गीले ब्यूटी ब्लेंडर हैं, इनको मैं टिश्यू से कर ली ताकि फाउंडेशन अच्छी तरह लगे। सबसे पहले मैं इस रोज का प्राइमर लूँगी इन बेज शेड। स्किन मैंने अपनी पहले से प्रेप कर ली थी। से ब्लैक वाला थोड़ा सा शेड लूंगी, हल्का सा लगा। जी आपने सिर्फ इधर इधर तक लगाना है, जो आपकी आई की लाइन होती है तो उसके लिए ये सीलर ड्रॉप के लिए इसके तीन ड्रॉप हैं इसको लगाएं। अब इसको ना मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी, इस ब्रश से मैं आईज पे इधर लगाएं। स्टीम का ग्लिटर मुझे गोल्डन कलर में ग्लिटर डस्ट डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए ये वाली पैलेट लगाएंगे, यूज करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काशिश का फाउंडेशन हुई, काशिश के फाउंडेशन के साथ इस मैं ये एटीके की फाउंडेशन अप्लाई कर इसके साथ मिक्स करूँगी।
इसके बाद मैंने इस रोज़ का फेयर शेड में कंसीलर लिया था, ये वाला मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करना भूल ही गई, ये मैंने यहाँ से ब्लेंड किया, ब्लेंड कर दिया। एटीट्यूड के लूज पाउडर से मैं अपनी अंडर आइज को बेक करूँगी। आईज को बेक हम इसलिए अंडर आईज से करते हैं ताकि जो लाइंस बन जाती हैं ये ना बने। ये कंटूर वाला शेड लेंगे इस पर से हम अप्लाई करेंगे नोज का। ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड हो गया कंटूर। एपीके का कंसीलर लेंगे, हमने अंडर आइज पे लगाया था ना लूज पाउडर, हमने रिमूव कर दिया। एक दफा कंट्रोल पे ब्रश से रिवाज का टेंट लूंगी। आज के लिए मतलब पहले से पीछे काफ़ी कुछ मिलते हैं। ब्राउन मस्कारा है वाटर प्रूफ, ये मैं थोड़ा थोड़ा अपने आईब्रोज में लगा लूँगी। ये पहले लूँगी ब्रश से ये देखें इस तरह से मैंने जो सीधा तो नहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ उसके बाद मैं क्रिस्टीन का ये स्पार्कलिंग डस्ट लूंगी और हल्का लूंगी। ये मैं एज अ हाइलाइटर भी अप्लाई करूंगी।
उसके बाद मैं करके हाइलाइटर लगा लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।